नमस्ते, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपको मिठू हंसी ब्लॉग में। और दोस्तों अभी सुबह का टाइम है तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम अपने परिवार में सभी से मिलाएंगे फिर और दिखाएंगे हम लोग सवेरे उठ उठ के क्या किया, मतलब क्या क्या करते सुबह सुबह उठ के। और बच्चा लोग भी आए हुए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो चलिए सभी से मिलाते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हमारे मम्मी जी है। मम्मी जी तो ये क्या है, दवा है इसमें देख सकते हैं। और ये सुबह सुबह खाली पेट खाना पड़ता है, एक दवा इसमें भी है देख सकते हैं। ये क्या है, ये जो निकोरिया जो होता है ना, औरत तो औरत लोग को ज़्यादातर हो जाता है, उसका दवा है। तो आप लोग सोचते हैं कि क्या है कैसे बनता है, तो आपको बता देते थोड़ा सा। बबूल का पत्ता, कमरकस और सुथनी और ये क्या बोलते हैं मिश्री जो होता है ढेला वाला, उस सबको पीस के और आप लोग खा सकते हैं सवेरे सवेरे हल्का सा, ये क्या बोलते हैं खाली पेट में खा सकते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारी प्यारी सी तो बेटी है, ये अंबिका। ऐसे कर दो बाबू, अंबिका ऐसे हाय करो तो पापा देखेंगे। और ये है हमारी अमृता ननद जो कि आप लोग उस दिन देखे ही होइएगा। तो अभी हम लोग सुबह सुबह उठ के ऐसे ही बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मतलब बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा खाना बन रहा है और ये देखिए परवल आलू का सब्जी है। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं मैं दूध उबालने के लिए चूल्हा पे चढ़ा रही हूँ दूध को, यहाँ पे देख ही सकते हैं आप लोग। और फिर देखिए ये सब्जी बरकने लगा, यानी रात का सब्जी था और ये दूध भी उबलने वाला है। देखिए दोस्तों इस बउआ को कैसे चाय पी रही है। बउआ अम्बिका चाय पियो, कैसे पीती है पियो तो देखो कैसे उंगली से उसका चाट चाट के पी रही है। दोस्तों अभी देखिए अभी हम ब्रश कर रहे हैं, सारा काम धंधा कर चुके हैं, अभी ब्रश करेंगे फिर उसका नहाएंगे फिर खाएंगे। दोस्तों मेरा धीरे धीरे हालत और ख़राब हो रहा है, सर्दी से एकदम हालत ख़राब हो गया है। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं हम नहा सुना कर आ चुके हैं और अभी बाल मतलब झाड़ रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरे ननद लोग जा रहे हैं आज, तो ये देखिए यहाँ पे तैयारी हो रही है। और इस छोटा बाबू से बाबू को देखिए जो कि मेरे ननद का लड़का हुआ है इस बार वो है, और बेटी है एक बड़ी वाली वो है। सभी को तैयारी देखिए कैसे काजल करवा रही है अंबिका, बहुत बच्चा डरता है करवाने में लेकिन ये करवा रही है आराम से बैठ के। और यहाँ पे बाबू भी रो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो मम्मी जी रखी हुई गोदी में और हम भी यहाँ पे बैठे हुए और अंबिका भी बैठी हुई यहाँ पे, देखिए कैसे करवा रही है। दोस्तों फिर यहाँ पे देखिए अमृता यहाँ जाने के लिए चिकन पैकिंग हो रहा है जो कि ये कर रहे हैं हमारे हस्बैंड जी। और ये देखिए चाट वाला डब्बा लाए थे ना, उसी डब्बा में देखिए तीन डब्बा हुआ ये भगवान। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे मम्मी जी सब्जी बांध रही है अमृता के यहाँ जाने के लिए। और देखिए बेटी जाती है तो बहुत कुछ मतलब आदमी देता है। और यहाँ पे देखिए ये खोइचा के लिए चावल है फूल है, और मैं पूछ रही हूँ मम्मी जी से कि पैसा कहाँ है इसमें रखने के लिए। और देखिए इतना सारा सामान भी है और देख सकते हैं इस क्यूट बाबू को कितना सुंदर कितना क्यूट लग रहा है वाओ। और देखिए इस लड़की को देखिए खुरपाती को देखिए खुद से सैंडल पहन रही है, इतना अच्छा बच्चा आप आज तक नहीं देखे होंगे। देखिए खुद से सैंडल पहन रहे और इस छोटा वाले बाबू को रखे हुए हैं। देखिए अब ये सामान वामान उठा के जा रहे हैं ऑटो में रखने के लिए और अमृता अब जा रही है मतलब जाएगी। देखिए हम लोग अब जा रहे हैं अंदर वाले रूम में भगवान जी को प्रणाम करने के लिए, क्योंकि कहीं भी आदमी जाता है तो सबसे पहले प्रणाम करते हैं। यहाँ पे देखिए अमृता अपने बउआ को गोदी में रख के प्रणाम कर ली है बउआ को, सॉरी भगवान जी को। और फिर यहाँ पे देख सकते हो अब मम्मी जी अमृता को खोइचा दे रही है, यहाँ पे देखिए पन्नी में अचरा में रख के पन्नी में खोइचा दिया था। और हम भी वहीं पर बैठ के देख रहे हैं कि कैसे कैसे मतलब दियाता है खोइचा। दोस्तों बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था, हमारी ननद जा रही है, देखिए उसके भी आंखों में बहुत सारा आंसू है और मेरे भी आंखों में। और दोस्तों देखिए यहाँ पे सब बाहर चले गए अमृता मम्मी जी सभी अभी पहुँचाने के लिए। और देखिए अमृता
और ये सभी आदमी टेम्पो में बैठ हुए जाने के लिए, क्योंकि भाई जाता है पहुंचाने, तो ये बैठ चुके हैं और हम अंदर से ही देख रहे हैं। दोस्तों गाड़ी खुल चुका है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।